अभी राजभवन पर हूं और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी यहीं पर इसी गेट से गए हैं। बिहार की राजनीति अब इतनी बदल गई है, अब कह सकते हैं कि यहां से नीतीश कुमार ने न केवल आगे की बिहार की राजनीति तय करने के लिए बल्कि 2024 लोकसभा, उन्हें सब कुछ याद है कि किस प्रकार से उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उसके बाद 2017 में फिर से बीजेपी के तरफ चले जाते हैं, वही रणनीति बनाते बनाते महागठबंधन की, जिसके दम पर 2015 में यहाँ पे सरकार बनाए थे और अंततः बीजेपी को जिस बात का डर था कि वह आरजेडी में जाकर सरकार बनाते हुए नजर आएंगे, आज यहाँ पर वही हुआ और देखेंगे कि क्या कुछ। और यहाँ देख रहे हैं कि राजभवन पर किस प्रकार से, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला आते हुए राजभवन की ओर बढ़ते हुए गवर्नर हाउस, और देख रहे होंगे अभी सिक्योरिटी और ड्राइविंग सीट के बगल में ललन सिंह नजर आए, नीतीश कुमार पीछे और तेजस्वी यादव, एक ही गाड़ी में तीनों महत्वपूर्ण नेता उसमें नजर आ रहे हैं उस गाड़ी में, और कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी मच गई और सिक्योरिटी गार्ड और पुलिसकर्मी गेट खोलते हुए। और इसी प्रकार राज्यपाल भवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ललन सिंह सहित और भी जो भी अहम नेता हैं वह प्रवेश करते हुए इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार, और अब बहुमत सिद्ध करने के लिए 79 सीटों वाली राजद के साथ पूरे धूमधाम से काफिले को राज्यपाल भवन के अंदर ले जाते हुए, और देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बिहार की सियासत पिछले एक दिनों से इतनी बदल जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि 48 घंटे के अंदर आरसीपी सिंह प्रकरण ने नीतीश कुमार को मौका दिया, नीतीश कुमार मौके की तलाश में थे कि आखिर किस प्रकार से इनसे पीछा छुड़ाया जाए। देख रहे होंगे किस प्रकार से तमाम अधिकारी लगे हुए हैं भीड़ को हटाने, देखेंगे कि क्या कुछ उनके समर्थक कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं। क्या चीज़ है, आप जदयू से हैं कि आरजेडी से? आप पूछना पड़े। विजय कुमार यादव हुआ राजद नेता संपर्चक, कल तक नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के आरोप गिनाते थे तेजस्वी यादव और आप लोग तमाम लोग, अब क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, नीतीश जी बड़े भाई है, बदल गए एक के दिन रोल था इसमें, नीतीश जी ने सही समय पर सही वक्त पर सही निर्णय लिया है, इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, और सरकार हमारा बेहतर चलेगा। सरकार मुख्यमंत्री मान ले नीतीश जी को, हाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। हाँ देख रहे होंगे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं, अभी हम धीरे धीरे करके और भी लोगों से पूछेंगे। आप क्या जी का समर्थक हैं भाई? क्या आरजेडी जदयू? हम इस सरकार के समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर चाहे हम पार्टी का झंडा हो या फिर आरजेडी का झंडा हो या जदयू का झंडा हो, तमाम जो झंडा है वह नजर आ रहा है, और भी यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में आए हुए लोग यह बतला रहे हैं, और एक तरफ से पुलिस आ रही है तमाम लोगों को उधर से इधर करते हुए, सुरक्षा कारणों से भी इधर से उधर लोगों को वह कर रहे हैं। देख रहे होंगे पीछे राजभवन है और इसी राजभवन के अंदर अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कई लोग अभी यहां पर गए हैं, और भी तमाम चीज़ें लोग अपने पार्टी अलग अलग जिस जिस पार्टी के हैं वो तमाम लोग अभी यहां पर जाते हुए और तमाम लोग यहां पर खुशियां मनाते हुए, चाहे वो आरजेडी के हों जदयू के हों, देखे होंगे कि किस प्रकार से आरजेडी के समर्थकों ने भी नीतीश को नेता माना है और नीतीश को विकास पुरुष बतलाने का प्रयास किया है। लगातार अभी बने हुए हैं हम राजभवन से, एक तरफ एक अन्य मार्ग है नीतीश कुमार का घर है और एक तरफ राज्यपाल भवन है, जहां पर कह सकते हैं कि आगे अब क्या होगा। यहां पर अभी सबसे बड़ी बात है कि इनके समर्थक हजारों की संख्या में आए हुए हैं और पुलिस भी दलबल के साथ इन लोगों को रोकने के लिए तैयार है कि कहीं अंदर न चले जाएं। मीडिया कर्मी भी यहां पर खूब हैं, उन्हें भी रोकने की कवायद तेज है और उन्हें भी रोकने का प्रयास लगातार जारी है। हम अब बात कराएंगे उन लोगों से जो लोग यहाँ पर घंटों से इंतज़ार कर रहे थे, नीतीश कुमार का इंतज़ार कर रहे थे, तेजस्वी यादव का इंतज़ार कर रहे थे, और राज्यपाल भवन में जाकर इस्तीफा देखते हुए अब शपथ की बारी है, अब आगे क्या कुछ होगा, ये तमाम बातें महत्वपूर्ण हैं। अभी देखेंगे कि किस प्रकार से जदयू के लोग टमटम पर चढ़े हुए हैं, जदयू और नीतीश कुमार के लोग टमटम पर चढ़कर वहाँ पर तमाम अभी मीडियाकर्मी से बात कर रहे हैं,
और अभी पुलिस कर्मी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इतनी अधिक यहाँ पर भीड़ हो चुकी है चारों तरफ। लगभग आधा दर्जन पार्टी के नेता, चाहे वह कांग्रेस के नेता हों, वाम दलों के नेता हों, जो अब बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर कह सकते हैं कि यहाँ से लड़ाई को केंद्र की लड़ाई बनाएंगे, बिहार की लड़ाई से। आज यह ऐतिहासिक दिन है, तमाम खबरें और बातें हम लगातार लाते रहेंगे। और यहाँ पर नीतीश कुमार का काफिला फिर से आ रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ललन सिंह, और पुलिसकर्मी पूरे दलबल के साथ मौजूद है कि कोई घटना, कोई चूक ना हो जाए, इसलिए अलर्ट पर है। और काम्या मिश्रा नज़र आ रही हैं, जो अभी पटना में सिटी एसपी, पटना में डीएसपी का अभी जो पोस्ट मिला है उसे सचिवालय थाना के जरिए वह लगातार नज़र आती हैं इस एरिया में कंट्रोल करते हुए। और अभी देखेंगे कि किस प्रकार से नीतीश कुमार अभी यहां पर से गुजरेंगे और क्या कुछ कहते हैं। अभी मीडिया से बात कर रहे थे, अभी देख रहे होंगे कि पुलिस का गाड़ी गुजरते हुए, सुरक्षा बल और नीतीश कुमार की यह गाड़ी है, मगर इसमें नीतीश कुमार नहीं हैं। तो नीतीश कुमार हैं कहाँ, क्योंकि ड्राइविंग सीट के बगल में ललन सिंह नज़र आ रहे हैं, और ये नीतीश कुमार पैदल आ रहे हैं। और देख रहे होंगे पुलिसकर्मी भीड़ पर काबू पाने के लिए हटाते हुए, और अभी यहाँ पर जिस प्रकार से पुलिसकर्मी अभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हटाते हुए, पूरी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक अन्य मार्ग पर, और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल भवन, गवर्नर हाउस से जब नीतीश कुमार आए तो यहाँ पर देख रहे होंगे इतनी संख्या इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के भी समर्थक हैं, जदयू के भी समर्थक हैं, और इस महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी हो ही गई है, और जदयू, उसके बाद फिर कांग्रेस और वाम दल। जी हाँ, तेजस्वी यादव भीड़ में नज़र आ रहे हैं, पूरे हाथ लहराते हुए, हिलाते हुए। यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के यहाँ आते हुए, और अब देखेंगे कि आगे अब क्या कुछ होने वाला है और हो रहा है। बिहार की सियासत लगातार, और एक अन्य मार्ग से देख रहे होंगे मीडिया कर्मी के साथ साथ कार्यकर्ता और नेताओं ने भी जिस प्रकार से मोबाइल निकाल कर जो कवरेज करने का काम कर रहे हैं, प्रत्येक लोगों के हाथ में अब कह सकते हैं कि फेसबुक है, सोशल साइट्स है, ट्विटर है, इंस्टा है, यूट्यूब है, तो वहाँ से वह लाइव होते रहते हैं। और यहाँ से इस भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में एक किस प्रकार का जनादेश, अब जो विपक्ष था अब वह रातों रात सत्ता पक्ष का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये राजनीति की एक शोभा हो चुकी है। 2017 में क्या हुआ था, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर राती रात आरजेडी को छोड़कर 2017 में, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी को छोड़कर और जदयू ने बीजेपी का दामन थामा था और रात को ही इस्तीफा हुआ था और कल सुबह शपथ। आज भी वही होने जा रहा है, ठीक 5 साल 10 दिन बाद, कि क्या यहां पर रंगत हो चुका है। और दिख रहा होगा ललन सिंह, नीतीश कुमार गुप्तगु करते हुए, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के विधायक, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, और भी कई नेता हैं जो सीनियर हैं, और सुरक्षाकर्मी और लगातार मीडिया कर्मी यहां पर तैनात हैं। अभी कुछ बोलेंगे मुख्यमंत्री साहब, और तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, ये बड़ा विषय है, ये बड़ी बात है। और यहां पर अजीत शर्मा भी नज़र आ रहे हैं, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री, उसके साथ ही साथ कई लोग, कई नेता अलग से भी नज़र आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और यहां पर हाथ हिलाकर सभी लोग अपनी विक्ट्री का सीन दिखाते हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पार्टी का आरोप था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ रही है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना था कि बीजेपी की पार्टी लगातार जदयू को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, और नीतीश कुमार लगातार, अब यहाँ से वह महागठबंधन का नेता के तौर पर तो अब मान ही लिए गए हैं, मगर बिहार में मुख्यमंत्री का लड़ाई अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि आरजेडी की सबसे ज़्यादा विधायक है,
नीतीश कुमार पर टोका टिप्पणी अब भी जारी रहेगी। ये बड़ा दिलचस्प वाक्या आगे होने वाला है, काफ़ी रोमांच और खींचतान, जो खींचतान बीजेपी और जदयू में हो रहा था वह अब भी होता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुफ्तगू करते हुए कि कैसे सभी चीज़ों को शांत किया जाए, उसके बाद कैसे सभी चीज़ों पर काबू पाई जाए, और तमाम चीज़ें नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे होंगे कि कैसे हाथ पर हाथ धर कर खड़े हैं, और महागठबंधन के तमाम सीनियर नेताओं से वह फैसला कर रहे हैं। वह आगे आना चाहते हैं मगर भीड़ के धक्कम धुक्की में कह सकते हैं कि वह लगातार पीछे जा रहे हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। और जिस प्रकार से वामपंथी दल के नेता, हम पार्टी के नेता और हम पार्टी से दानिश रिजवान नज़र आ रहे हैं, वैसे ही यह बिहार की राजनीति का आज कहा जा सकता है कि महागठबंधन, तो जो 2017 में नीतीश कुमार छोड़कर गए थे उसके हिस्से आज बन गए हैं, और इस प्रकार महागठबंधन अब और मजबूती की ओर बढ़ चला है। अब उनके पास 161 विधायक हैं, ये एक बड़ा विषय है नीतीश कुमार के लिए। और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया है ये और भी बड़ा विषय है, यह बड़ा मन दिखाने का विषय है। मगर नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार तभी एग्री होते हैं जब वह खुद मुख्यमंत्री होते हैं। देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ में लगातार कवरेज करने की होड़ मची हुई है। और भी तमाम खबरें लगातार देखते रहिए झक्कास भारत के ज़रिए, हम लगातार आते रहेंगे। आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, और यूट्यूब पर अगर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स से जुड़े रहने का हमारा प्रयास है। नीतीश कुमार ने आज राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा और तेजस्वी के साथ जाकर मिलकर और फिर सरकार बनाने का भी दावा पेश किया है। अब कल शपथ होने की बात है, देखते हैं कल क्या। बने रहिए झकास भारत के साथ, मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।